स्टूडेंट अब हम बेसिकली देखेंगे कैसे हम फाइंड एंड रिप्लेस कमांड का यूज़ करते हैं। फाइंड कमांड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर मैं अपने कोई भी एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में कोई भी स्पेसिफिक वर्ड को मुझे फाइंड करना मतलब ढूंढना है। रिप्लेस कमांड का इस्तेमाल मैं वहाँ करता हूँ जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कोई स्पेसिफिक वर्ड है जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है उसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ किसी और दूसरे वर्ड से, तो उसके लिए मैं यहाँ पर रिप्लेस कमांड यूज़ करता हूँ। तो पहले ऑफकोर्स मैं आपको ये दिखाऊंगा हम फाइंड कमांड कैसे यूज़ करते हैं। उसके लिए मुझे मैं जो हूँ अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जो होम टैब है मुझे पहले वहाँ आना पड़ेगा। उसके बाद मैं एक्सट्रीम राइट में जाऊँगा जहाँ पर आप देखेंगे फाइंड लिखा हुआ है, एक जगह जो बटन फाइंड का है मैं उसे क्लिक कर दूंगा और क्लिक करते ही मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसके अंदर जो है फाइंड वॉट एक जगह लिखा हुआ, सामने एक टेक्स्ट फील्ड जहाँ बेसिकली मैं वो वर्ड टाइप करूँगा जिसको मुझे फाइंड करना है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर टैब दे रखे हैं कुछ, फाइंड, रिप्लेस और गो टू। तो हम बेसिकली आज सिर्फ फाइंड और रिप्लेस के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं जो भी वर्ड को ढूंढना है उसको मुझे पहले यहाँ टेक्स्ट फील्ड लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने जो वर्ड चूज़ करा है ढूंढने के लिए वो है डॉक्यूमेंट, तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा डॉक्यूमेंट DOCUMENT। मैंने डॉक्यूमेंट लिख दिया और लिखते ही मैं जो एंटर की दबा दूंगा कीबोर्ड की। जैसे ही मैंने एंटर की कीबोर्ड की दबाई आप देखेंगे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है ये हाईलाइट हो गया है। इसने मतलब बेसिकली फाइंड कर लिया डॉक्यूमेंट को और पहला जो डॉक्यूमेंट वर्ड है इस बेसिकली पूरे टेक्स्ट के अंदर जो लिखा हुआ है वो उसने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट का बटन, फाइंड नेक्स्ट ये होता है कि इस जो यहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है जिस जगह पे लिखा हुआ है इसके अलावा और कहाँ कहाँ डॉक्यूमेंट का यूज़ करा है। तो मैं जैसे फाइंड नेक्स्ट दबाऊंगा ये जो है मूव करके जो भी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसको हाईलाइट कर देगा। फिर दबाऊंगा तो अगेन इज गोइंग टू हाईलाइट ही डॉक्यूमेंट जो जिस जगह लिखा हुआ है। फिर मैं दबाऊंगा तो अगेन इज गोइंग टू हाईलाइट जहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। फिर अगेन आई एम गोइंग टू प्रेस अगेन ही बेसिकली उस डॉक्यूमेंट को हाईलाइट कर देगा। और फिर मैं दबाऊंगा तो अगेन इज गोइंग टू हाईलाइट डॉक्यूमेंट है। और फाइनली जब मैं लास्ट फिर दबाऊंगा तो ये मैसेज आएगा वर्ड हैज फिनिश्ड सर्चिंग डॉक्यूमेंट, इंडिकेट जितने भी डॉक्यूमेंट वर्ड थे उसने वो सर्च कर लिए। अब जो है मैं यहाँ पर रिप्लेस यूज़ करूँगा। अब मैं बेसिकली चाहता ये हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है उसको मैं किसी और वर्ड से रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ ऑलरेडी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर जो हूँ चाहूँ तो कुछ भी लिख सकता हूँ, बट अगेन मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखे रहने दूंगा। अगर मैं चाहूँ अपनी मर्जी से इसको हटा के मैं कुछ और लिख सकता हूँ। तो मैं जो हूँ जहाँ जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट है वहाँ पर जो है मैं जो हूँ चाहता हूँ टेस्ट लिखना, तो मैं यहाँ लिख दूंगा TEST टेस्ट। और टेस्ट लिखने के बाद यहाँ पर मैं रिप्लेस ऑल दबा दूँगा। रिप्लेस ऑल से होगा कि जहाँ जहाँ भी डॉक्यूमेंट है उसको भी टेस्ट वो टेस्ट में बेसिकली उसे चेंज कर देगा। तो अब आप देखेंगे कि जो तो जहाँ जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट था वहाँ पर अब आपका टेस्ट कर आ गया। एक तो टेस्ट आपका यहाँ पर आ गया है, एक जगह पर यहाँ पर टेस्ट है आपका वो यहाँ पर आ गया है। और इस तरह जो है और जिन जिन जगहों पर भी बेसिकली डॉक्यूमेंट लिखे हुए थे वहाँ सब जगह पे टेस्ट लिखकर आ गया। दो जगह मैंने आपको दिखा दी, एक ये है दिस इज़ वे डॉक्यूमेंट वाज रिटन, ये टेस्ट लिखकर आ गया। उसके बाद जो था यहाँ पर नीचे बॉटम पे टेस्ट लिखकर आ गया है। और इसी तरह और भी जो बेसिकली जगह थी जहाँ एक यहाँ पर आ गया है टेस्ट लिखकर योर टेस्ट, यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ। तो बेसिकली ये तरीका है जिसके थ्रू हम एक पर्टिकुलर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को रिप्लेस करके दूसरा वर्ड वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या बेसिकली लिख सकते हैं। सो दिस वाज बेसिकली दी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको समझाने के लिए कैसे हम फाइंड और रिप्लेस का यूज़ करते हैं। तो ये लेक्चर बेसिकली यहीं ख़त्म होता है। इन नेक्स्ट लेक्चर में और जो डिफरेंट कमांड्स हैं एमएस वर्ड के अंदर मैं उसके बारे में बात करूँगा। थैंक यू।